की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप अपने फोन का टच कैसे लॉक कर सकते हैं। अब भाई हमें टच लॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई, हमें क्यों पड़ेगी जरूरत, तो आपको बता दूं आपकी लाइफ में इसकी जरूरत पड़ते रहेगी। चाहे बात हो मूवी देखते वक्त, या तो बात हो किसी बच्चे को जब आप फोन देंगे, या तो कभी सीक्रेट तरीके से आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम भी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम आपको ये ट्रिक हेल्प करेगी, बस वीडियो को देखते रहनी है, ठीक है ना। और आप अपने फोन का लॉक जो है ना, लॉक का टच जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी फोन हो, सबके लिए यह वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में सबसे पहले लाइक कर देनी है, आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन दबा के। शेयर कर देंगे वीडियो तो और लोग जानेंगे। कमेंट में आपको लिख देनी है टच लॉक ट्रिक, ठीक है, टच लॉक ट्रिक, क्योंकि यह भी एक ट्रिक है यार, और बहुत ही ज्यादा सुपर्ब ट्रिक है। तो अभी देखिए, फिलहाल आपको जो है ये ऐप चाहिए होगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री है, कोई इसके चार्ज नहीं है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको ऐसे दिख रहा है, इनेबल नोटिफिकेशन, डन, ओके, अलाउ कर दीजिए यह भी, ठीक है, बैक आ जाइए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टच ब्लॉकर सेटिंग है, सेटिंग में जाइए, फिर यहाँ पे हार्डवेयर की को भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, और डिसेबल साउंड इफेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आप चाहेंगे टच ब्लॉकर को चालू करना तो यहाँ पे टैप टू इनेबल स्क्रीन ब्लॉक, जब हम इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग भी दी गई है कि जब आप ब्लॉक कर देंगे टच को तो भाई फिर से वापस से कैसे लाएंगे। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप तो खैर इसका आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं इसको खैर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा हम इस पे जो है अभी बताते हैं आपको। अभी पहले यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखो टच, ठीक है ना, टच ब्लॉकर, इस पे क्लिक कर दीजिए और बस ये देखिए आपका ये ब्लॉक हो गया। अब ये नहीं, कोई भी कुछ आप दबा दें, कुछ भी कर दें, आपका ये टच काम नहीं करेगा, चाहे आप सभी हाथ से चला दें या कुछ भी कर दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि टच ब्लॉक हो चुका है। अब इसको कैसे खोलेंगे, तो खोलने के लिए तो यहाँ इसको आप खैर स्लाइड भी कर सकते हैं। अब ये इसको ना एक बार दबाएंगे तो ये नहीं होगा, ये देखिए टच ब्लॉक हो गया ना, इतना तो मानेंगे आप। ओ ऊपर से आता है, ओ फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। तो खैर यहाँ से ब्लॉक करने के लिए इस पर ना दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे, खुल गया लॉक, खुल गया लॉक। फिर से टच ब्लॉक करना है, फिर इस पर एक बार क्लिक करें, टच लॉक हो गया। तो मतलब इसका फायदा क्या होगा, अगर हमने किसी बच्चे को वीडियो चला करके हमने दे दिया तो वो जो है सिर्फ यही वीडियो देखेगा जो आप दिखा रहे हैं, वो बच्चा जो है कोई छेड़ नहीं पाएगा कुछ। तो फिर इसको खोलने के लिए ना दो बार क्लिक कर दें। अब भाई बच्चे भी दो बार इसको क्लिक कर देंगे तो आप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं दो बार नहीं, उसको जो है चार बार दबाए, तीन बार दबाए, तीन बार नहीं चार बार कर दो, चार बार दबाएगा ना तब खुलेगा। अभी मैं फिर जाता हूँ, फिर मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक हो गया फिर से। अब देखो मैं दो बार दबाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तो खुलेगा कैसे, इस पर हमने चार बार सेट किया, इसे चार बार दबाना पड़ेगा। अब एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ लगातार फटाफट दबाइएगा तब खुलेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर लगा यार, बहुत जगह ये मदद करेगा। अगर मान लो कैमरे से ना किसी का सीक्रेट वीडियो बना रहे हो, कोई केस वगैरह, कोई मतलब समझ लो ना, समझ लो, तो अब वीडियो कैमरा लगा करके ऐसे रखोगे तो हो सकता है वीडियो बंद भी हो जाए, तो आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए कैमरे में, कैमरा में रिकॉर्डिंग चालू कर देने के बाद टच लॉक कर दीजिए, फिर जेब में रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब फ़ोन जो है आसानी तरीके से टच लॉक रहेगा, कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। और खैर मैं दोस्तों इस ऐप का जो लिंक है मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले ना वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में आपको लिख देनी है बेस्ट टच ब्लॉकर, ठीक है, बेस्ट टच ब्लॉकर। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना।